ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महिलाओं पर ट्रंप के अभद्र टिप्पणी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि वो एक और मुश्किल में फंसे नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो ट्रंप ने पास्ट में अपनी बेटी और दूसरी महिलाओं के बारे में भी आपत्तिजनक और उत्तेजक टिप्पणियां की थी। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो ताजा खबरें आई हैं, उनमें खुलासा हुआ है कि भद्दी टिप्पणियां करने के मामले में उन्होंने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा और उसे कामुक करार दिया। ट्रंप और मशहूर रेडियो प्रस्तोता हार्वर्ड स्टर्न के बीच के करीब दो दशक पुराने ऑडियो इंटरव्यू को खंगालने के बाद CNN ने ट्रंप के इंटरव्यू के कुछ हिस्से प्रकाशित किए हैं, जिनमें वो बार बार अपनी बेटी इवांका ट्रंप के बदन पर टिप्पणी कर रहे हैं। स्टर्न को दिए एक से ज्यादा इंटरव्यू में ट्रंप ने इवांका के बदन और उसके हाव भाव पर चर्चा की। अक्टूबर 2006 में दिए एक इंटरव्यू में स्टर्न ने कहा कि इवांका पहले से ज्यादा कामुक लग रही हैं, जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा, असल में वो हमेशा से कामुक रही है। ट्रंप के हवाले से CNN ने कहा, वो लंबी है, करीब 6 फुट लंबी है और वो गजब की खूबसूरत रही है। आपको बता दें कि हाल ही में महिलाओं के बारे में ट्रंप के अभद्र टिप्पणियों का ब्यौरा सामने आने के बाद राष्ट्रपति पद का उनका प्रचार अभियान लड़खड़ाता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि महिलाओं को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। ट्रंप के लिए मुश्किल हालात उस वक्त पैदा हो गए जब 7 अक्टूबर को अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप के अभद्र टिप्पणियों के ऑडियो का पूरा ब्यौरा छाप दिया। इसमें वे कह रहे हैं कि महिलाओं ने उनके साथ वो सब कुछ करने दिया जो वो चाहते थे, क्योंकि वो एक बड़ी हस्ती हैं। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।